हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनुलिन के बारे में। सो एनुलिन जो है हमारा एक प्रकार का मोनोसाइक्लिक नॉन बेंजोनेट न्यूट्रल कंपाउंड है। एनुलिन जो आपके एमएससी लेवल के एग्जामिनेशंस के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और आपको एक हेलमेट नोट प्रोवाइड करूंगा जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल होगा। सो एनुलिन क्या होता है? द मोनोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ द जनरल फॉर्मूला CH2M हैव बीन कॉल्ड एनुलिन्स। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द रिंग बीइंग डिनोट बाय अ प्रीफिक्स नंबर इन ब्रैकेट। इन दिस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर बेंजीन इज 6 एनुलिन एंड COT साइक्लोऑक्टाटेट्रेन इज 8 एनुलिन। ये जो है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है, या आप इसका बेसिक डेफिनेशन समझ सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज एनुलिन्स, तो आप ये लिख सकते हैं। सो एनुलिन्स क्या है? एक प्रकार का मोनोसाइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम है। मोनोसाइक्लिक मतलब एक साइकिल होगा, एक रिंग होगा। कंजुगेटेड मतलब इसमें पाई बॉन्ड जो है ये अल्टरनेटिव पोजीशंस में होंगे, उसे कंजुगेटेड कहा जाता है। सिस्टम है, इसका जनरल फॉर्मूला CH2M है। ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो है एनुलिन्स को एनुलिन्स के जनरल फॉर्मूला CH2M हैव बीन कॉल्ड एनुलिन्स कहा जाता है। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द रिंग बीइंग डिनोटेड बाय द प्रीफिक्स नंबर। सो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम बहुत इंपॉर्टेंट है इसके नोमेन कल्चर के लिए। सो जैसे कि अगर हम यहां पे बेंजीन का रिंग ही कंसीडर करते हैं, ये हमारा बेंजीन का रिंग एग्जांपल कंसीडर करेंगे, तो ये तो बेंजीन है, आपको पता है। लेकिन इसको एनुलिन कैसे कहा जाता है, या एनुलिन क्यों कहा जाता है, एनुलिन के तरीके से इसको कैसे नामकरण किया जाता है, उसके लिए बहुत ही सिंपल है। इसमें 6 कार्बन प्रेजेंट है, तो एक कोई भी रिंग होगा उसमें जितने भी कार्बन प्रेजेंट होंगे उस कार्बन को जो है सामने प्रीफिक्स के रूप में ब्रैकेट में लिख देंगे और उसको एनुलिन हम लिख देंगे। तो ये जो है इसका नाम 6 एनुलिन हो जाएगा। बस यही सिंपल सा नोमेनक्लेचर है। जैसे कि अगर ये हमारा है साइक्लो ब्यूटाडाइन, सो साइक्लो ब्यूटाडाइन में अगर हम देखते हैं तो इसमें 4 हमारा जो है कार्बन प्रेजेंट है, 1, 2, 3, 4। तो ये हमारा 4 को सामने लिख देंगे ब्रैकेट में और इसको जो है एनुलिन लिख देंगे, तो ये हमारा इसका नाम हो गया 4 एनुलिन। तो इसी प्रकार है कोई भी मोनोसाइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम, कोई भी मोनोसाइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम है तो उसको एनुलिन नाम देने के लिए उसमें कार्बन की संख्या को सामने प्रीफिक्स के रूप में प्रीफिक्स में जो है हम 6 कोष्टक में लिख देंगे, उसको एनुलिन कर देंगे, तो इसका नामकरण हो गया। ये सिंपल सा रूल है नामकरण का। उसके बाद सिंस द कार्बन एटम्स अकर्स एज डबली बॉन्डेड पेयर, एनुलिन मस्ट हैव अ इवन नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट रूल है, जैसे कि एनुलिन्स मस्ट हैव एन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कोई भी जो हमारा कंजुगेटेड सिस्टम होगा, कंजुगेटेड रिंग होगा, उसमें जो कार्बन्स होंगे वो इवन नंबर में होंगे। नंबर ऑफ कार्बन इज इवन नंबर, जैसे कि 4, 6, 8 ये होंगे। 7 एनुलिन, 5 एनुलिन ये सब नहीं होते हैं उसमें, आपको याद रखना है। जैसे कि जो है हमारा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उस रिंग में प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो एनुलिन्स कहलाएगा। द एनुलिन्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 सीरीज। जो एनुलिन्स होंगे उसको 2 भागों में बांटा गया है, 2 सीरीज में जो है इसको बांटा गया है, ग्रुप किया गया है। पहला है हमारा डोज इन विच एम is odd having 4n plus 2 pi electron and those in which m is even having 4n pi electron। ये बहुत ही easy concept है और बहुत ही important concept है। सो इसमें क्या है, ये m जो है एक प्रकार का ट्रिक आप समझ सकते हैं। इसमें जैसे कोई भी रिंग होगा उसमें जो है कितने पाई बॉन्ड है उसको यहाँ पे प्रदर्शित करता है। तो ये 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो है हमारा हकल्स रूल है। तो इसी से जो है हम कोई भी एनुलिन्स जो है एरोमेटिक, कोई भी एनुलिन्स जैसे कि हमारा जितने भी एनुलिन्स हैं वो 2 भागों में बांटा जा सकता है उनको, या तो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे या तो नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। सो इसको जैसे कि अगर हमारा 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन कोई एनुलिन फॉलो करता है हकल्स रूल, तो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अगर 4n plus 4n पाई इलेक्ट्रॉन अगर वो फॉलो करता है, रूल फॉलो करता है, तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। तो बेसिकली सभी प्रकार के एनुलिन्स को 2 भागों में बांटा जा सकता है, या तो एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो हकल्स रूल हमने पहले डिस्कस किया है, एरोमेटिक कंपाउंड्स जब हम एरोमेटिसिटी जब पढ़े थे तो वहां पे हमने हकल्स रूल को बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया है। इसी यूनिट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके उसको देख सकते हैं उस एरोमेटिसिटी वाले टॉपिक को, जो कि आपके एमएससी लेवल के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ उसमें आपको हकल्स रूल समझ में आ जाएगा, जो कि यहां पे भी अप्लाई होगा।
तो हकल सुल्स आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एमएससी लेवल के लिए जो है इंडिविजुअल क्वेश्चंस के रूप में भी आता है व्हाट इज हकल सुल के रूप में। तो यहाँ पे हम इसका बेसिक जानेंगे कि हकल सुल क्या है। सो हकल सुल बेसिकली 4n+2π इलेक्ट्रॉन इसका फॉर्मूला है हकल सुल का। तो यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे जो गिवन एग्जांपल है ये एनुलिन्स है, जैसे ये हमारा साइक्लोब्यूटाडीन 4 एनुलिन है। तो यहाँ पे m बराबर 2 है, मतलब 2π है। तो ये जो ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है ये पहचानना है हमको। तो बेसिकली इसमें 4π इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसमें 4π इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि अगर m के जगह 4π इलेक्ट्रॉन है, n यहाँ पे n की जगह हम 0, 1, 2, 3 रख सकते हैं। तो यहाँ पे n जो है 1 है क्योंकि ये 1 रिंग है, इसलिए यहाँ पे 1 रखेंगे तो 4 और 4+2=6π इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमारा 4π इलेक्ट्रॉन होगा, 4π इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब यहाँ पे अगर अगर ये हकल सुरूल फॉलो करता तो ये 4n+2π इलेक्ट्रॉन मतलब 6π इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा 4π इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। और एक मतलब सिंपल सा हकल सुल फॉलो नहीं कर रहा है ये। हकल सुल में अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो हमारा 6π इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा 4π इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2, 4π इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो है हमारा यहाँ n की जगह 1 रखेंगे तो 4π इलेक्ट्रॉन ये सेकेंड वाला रूल फॉलो कर रहा है, इसलिए इस ये एनुलिन हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। सिंपल सा आप जो है ट्रिक कर सकते हैं, जैसे ये हमारा अगर m जो है 2 है, मतलब ये इवन नंबर का है, तो ये इसको फॉलो करेगा इस रूल को, मतलब ये एंटी एरोमेटिक है। और अगर ये m जो है हमारा ऑड है, विषम संख्या है, तो ये रूल फॉलो कर रहा है हकल रूल, मतलब ये एरोमेटिक है। जैसे 6 एनुलिन में 6π इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6π इलेक्ट्रॉन इसमें है, और जिसमें 6π इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो 4n+2π इलेक्ट्रॉन वाला जो हकल सुरूल है उसको फॉलो करेगा और ये एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी प्रकार ये 8 एनुलिन भी हमारा एक जो है 8 एनुलिन क्या होगा, यहाँ पे दो यहाँ पे m जो है 4 है, इवन संख्या, इसलिए ये एंटी एरोमेटिक है। 8π इलेक्ट्रॉन होगा इसका, तो 8π इलेक्ट्रॉन भी हकल सुल को फॉलो नहीं करता है। अगर n की जगह 1 रखेंगे हम यहाँ पे तो 6π इलेक्ट्रॉन होगा, 6π इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन ये जो है 8π इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये हकल सुल फॉलो नहीं करेगा। ये साइक्लो ऑक्टाटेट्रेन, जिसे हम COT भी कहते हैं। तो ये जो है हमारा एनुलिन हो गया, हमारा एंटी एरोमेटिक 4 एनुलिन 6 एनुलिन एरोमेटिक है, 8 एनुलिन एंटी एरोमेटिक है। तो ये जो आपको 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये 8 एनुलिन एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है, ये आपको पहचानना रहता है। और ये जो है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है, आपको अगर एग्जाम्स में पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है एनुलिन में हमारा कुछ इंपॉर्टेंट एनुलिन्स हैं, जैसे कि 10 एनुलिन। सो 10 एनुलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एक प्रकार का अपवाद कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जो देखा पहले तो अभी तक जो हमने देखा तो उसमें या तो हकल सुल फॉलो करेगा तो एरोमेटिक होगा, तो ये भी हकल सुल फॉलो करता है लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। अब एरोमेटिक क्यों नहीं है, अब हम यहाँ पे देखते हैं। सो एरोमेटिक होने के लिए कोई भी कंपाउंड आपको जो है और बहुत चीज जानना है कि वो प्लानर भी होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, हकल सुल फॉलो करना चाहिए और sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ये सब रूल फॉलो होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर उनमें से कोई एक रूल भी फॉलो नहीं करता है कोई कंपाउंड तो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। सो 10 एनुलिन जो है इसमें एरोमेटिक्स के सारे गुण हैं, लेकिन एक गुण इसमें प्रेजेंट नहीं है जिसके कारण ये नॉन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। तो ये जो है इसका बेसिक थ्योरी पोर्शन है। अगर आपको इंडिविजुअल क्वेश्चंस के रूप में पूछा जाता है व्हाट इज 10 एनुलिन, तो आप ये लिख सकते हैं। पहले इसको मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट देख लेंगे इसको। सो द नेक्स्ट एनुलिन इज इन द सीरीज इज 10 एनुलिन एंड एसोमर्स ऑफ द ऑफ विच इज सोन बिलो। एट फर्स्ट ग्लांस दिस मे अपियर टू बी एन एरोमेटिक मॉलिक्यूल बिकॉज इट हैज 10π इलेक्ट्रॉन 4n+2 वैल्यू व्हेन n इज 2। यहाँ पे n का मान 2 रखेंगे क्योंकि 2 रिंग है। तो बेसिकली ये पहले आप देखेंगे तो ये हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा क्योंकि इसमें 10π इलेक्ट्रॉन है, ये 4n+2π वाला जो फॉर्मूला है उसको हकल रूल को फॉलो करता है, ठीक है, ये प्लानर भी दिख रहा है, ये कॉन्जुगेटेड है, मतलब कि जो पाई बॉन्ड है एक अल्टरनेटिव पोजीशंस में है, तो ये एरोमेटिक है। लेकिन बट रिमेंबर दैट बिफोर कंसीडर द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द सिस्टम वी मस्ट फर्स्ट आस्क वेदर द मॉलिक्यूल हैज अ कंटिन्यूअस साइक्लिक अरे ऑफ प्लैनर पी ऑर्बिटल। दिस कंपाउंड इज सर्टेनली साइक्लिक एंड देयर इज अ पी ऑर्बिटल ऑन ईच एंड एवरी रिंग एटम। हाउएवर इट टर्न आउट दैट द रिंग इज नॉट प्लैनर। सो बेसिकली ये हम एरोमेटिक इसको नहीं बोलेंगे, उससे
उससे पहले हमको सारी चेक करना है कि ये सारे जो क्राइटेरिया है एरोमेटिक होने का, ये कंपाउंड फॉलो करता है नहीं। लेकिन यहाँ पे तो ये कॉन्जुगेटेड है, हकल सुल फॉलो कर रहा है, लेकिन ये प्लानर नहीं है। अब प्लानर क्यों नहीं है, प्लानर तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रिपल्सन होता है एक प्रकार का। द रीजन इज रिपल्सन ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स, जो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स होंगे उनमें रिपल्सन होता है, जिसके कारण हाइड्रोजन एटम्स इन द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, द सेंटर कैविटी इज नॉट लार्ज इनफ टू अकोमोडेट डैम, सो द रिंग मस्ट बैंड आउट ऑफ प्लैनरिटी, सिंस द रिंग इज नॉट प्लानर, दिस 10 एलोनी इज नॉट एरोमेटिक। ठीक है, ये नॉन एरोमेटिक है हमारा, क्योंकि यहां पे जो दो हाइड्रोजन्स हैं ये रिपल्सन्स करेंगे, एक आगे जाएगा एक पीछे जाएगा, क्योंकि यहां पे उतना जगह नहीं है कि ये जो है प्लैनर में रह सके। इसके कारण 10 एनुलिन में क्या होगा, एक हाइड्रोजन ऊपर जाएगा एक हाइड्रोजन नीचे की ओर जाएगा, इसलिए ये प्लैनर नहीं रहेगा, इसलिए ये हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, तो ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट 10 एनुलिन का। इसी प्रकार 14 एनुलिन भी यही जो है गुण प्रदर्शित करता है। जैसे कि 14 एनुलिन क्या होगा, अ सिमिलर प्रॉब्लम अराइज विद 14 एनुलिन विच इज द नेक्स्ट एनुलिन विद 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, दिस मॉलिक्यूल कैन अचीव प्लैनरिटी बट द रिपल्सन ऑफ द हाइड्रोजन एटम डायरेक्टेड इन टू द रिलेटिवली स्मॉल सेंटर कैविटी डायमिनिसिस द एटॉम द एरोमेटिक स्टेबिलाइजेशन। सो यहाँ पे भी 14 एनुलिन भी सेम 10 एनुलिन की तरह, पहले तो आपको ये जो है हमारा जैसे कि यहाँ पे 14 एनुलिन है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन ये प्रदर्शित करेगा, 4n+2 जो हमारा रूल है उसको फॉलो करेगा, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम्स होंगे इसके अंदर वो रिपल्सन करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उतना जगह नहीं है कि वो प्लैनर के रूप में रह सकें, इसलिए ये रिपल्सन करेंगे, जिसके कारण जो है ये प्लैनर नहीं रहेगा, और प्लैनर नहीं होगा तो एक क्राइटेरिया फॉलो नहीं करेगा एरोमेटिक कंपाउंड का, तो वो एरोमेटिक नहीं हो पाएगा। 14 एनुलिन जो है हमारा एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पे 18 एनुलिन जो है हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ पे भी सेम आपको दिखेगा, जैसे कि द नेक्स्ट एनुलिन विथ 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज 18 एनुलिन विच हैज 18 पाई इलेक्ट्रॉन, दिस मॉलिक्यूल सेंट्रल कैविटी इज लार्ज। तो यहाँ पे भी वही है, ये भी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे भी मतलब ये भी जो जितने भी क्राइटेरियाज हैं सारे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, द मॉलिक्यूल सेंट्रल कैविटी इज लार्ज इनफ टू अकोमोडेट द हाइड्रोजन्स दैट रिसाइड इनसाइड इट, सो इट कैन अचीव अ नियरली प्लैनर कंफर्मेशंस विच अलाउ इट टू एंजॉय एरोमेटिसिटी। लेकिन 18 एनुलिन में क्या होता है, इसका जो कैविटी होगा सेंट्रल कैविटी होगा ये बहुत उतना लार्ज होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है प्लैनर रह सके, इसलिए ये एरोमेटिक है, मतलब यहाँ पे रिपल्स हाइड्रोजन्स के बीच कोई रिपल्सन नहीं होता है, इसलिए हमारा 18 एनुलिन जो है एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इस प्रकार जो है आप इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बस यही इस टॉपिक का एनालिसिस। और अगर आपके एग्जाम्स में आते हैं व्हाट इज एनुलिन्स, तो आप एनुलिन्स का जो है ये सारा बेसिक समझाइए, और हर एक अगर ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आता है 10, 14, 18 इलेक्ट्रॉन्स को लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपका 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में आता है तो आप एनुलिन्स का जनरल सा फॉर्मूला दे सकते हैं, जनरल सा ये आप डेफिनेशन दे सकते हैं, और ये इसका कुछ क्राइटेरियाज जैसे एनुलिन मस्ट हैव इवन नंबर ऑफ कार्बन ये लिख सकते हैं, और ये एग्जांपल्स दे सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टाइम में आता है तो आप ये पूरा लिखिए, साथ ही साथ आप ये जो 10 एनुलिन 14 और 18 जो एनुलिन्स हैं इनको भी समझा सकते हैं, जिससे आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। सो बस यही था इस टॉपिक का एनालिसिस, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको एमएससी या बीएससी लेवल के एग्जामिनेशन के लिए हैंडमेड नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आपको नीचे एक लिंक मिलेगा पीडीएफ स्टोर का, आप उस पीडीएफ स्टोर में जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे यूनिट वाइज, हर एक यूनिट का आप वहां पे टॉपिक मैच कर सकते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और आप उसको इन अ वेरी लो प्राइस बाय कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया और आपके लिए हेल्पफुल है। आगे के वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।